आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए दो अपडेट लेकर आया हूं। एक अपडेट प्राइवेट कॉलेजें जिनको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कन्वर्ट किया गया है उनसे रिलेटेड है। दूसरी अपडेट है राजस्थान की किन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दी गई पीएचडी की उपाधियों पर संशय जो है वो है, इसको लेकर के और मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले राजस्थान की किन प्राइवेट कॉलेजों को गवर्नमेंट कॉलेज में कन्वर्ट किया गया है उससे जुड़ी अपडेट देखिए। ये देखिए, मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति, 4 निजी महाविद्यालय होंगे राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित। ये 18 सितंबर 2023 की लेटेस्ट न्यूज़ है। ये पूरी न्यूज़ देखिए आप। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के 4 निजी महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों में परिवर्तित किए जाने की मंजूरी दी है। इन महाविद्यालयों में हनुमानगढ़ जिले के मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया एवं ग्रामीण कन्या महाविद्यालय भादरा शामिल हैं। यानी हनुमानगढ़ जिले की तो 2 कॉलेजें हैं, ठीक है, एक तो है मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया और दूसरी है ग्रामीण कन्या महाविद्यालय भादरा, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेजें हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी जो 2 कॉलेज अन्य हैं, इसके अतिरिक्त श्री गंगानगर जिले के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय राय सिंह नगर एवं ज्ञान ज्योति महाविद्यालय श्री करणपुर को भी राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। तो 2 कॉलेजें हैं गंगानगर जिले की, जिसमें एक है शहीद भगत सिंह महाविद्यालय राय सिंह नगर और दूसरी है ज्ञान ज्योति महाविद्यालय श्री करणपुर, ठीक है। इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, श्री गहलोत ने उक्त 4 महाविद्यालयों में कार्यरत अहर्ताधारी कार्मिकों को राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के नियमों के तहत राजकीय सेवा में लिए जाने की भी सहमति दी है। यानी जो राजशेष महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए जो रूल बना हुआ है, राजशेष रूल, ठीक है, 2022 राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी रूल्स 2022, उसके तहत इन 4 कॉलेजों के अंदर जो योग्यताधारी अभ्यर्थी कार्यरत थे उनको शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2023-24 की क्रियान्वति में यह स्वीकृति दी गई है। दूसरी जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है कि राजस्थान की किन यूनिवर्सिटियों के द्वारा जो पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गई हैं उनको लेकर के संशय है कि उपाधियां फर्जी हो सकती हैं। ये न्यूज़ देखिए आप। प्रदेश में 2200 लेक्चरर में 700 पर शक, ये हरियाणा से जुड़ी हुई अपडेट है। 2200 लेक्चररों के अंदर से कितने लेक्चररों की डिग्रियों पर शक है? 700 लेक्चरर की डिग्रियों पर शक है। फर्जी पीएचडी डिग्री सिरसा में 10 संदिग्ध मिले, रिपोर्ट मुख्यालय भेजी। डिटेल से देखिए, टोहाना में प्रिंसिपल ने आरोपी की दी शिकायत और इसके अलावा उच्चतर शिक्षा विभाग ने किया कमेटी का गठन, ठीक है। पूरी न्यूज़ क्या है वो आप देख सकते हैं। हरियाणा के राजकीय कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर्स की ओर से 57,700 वेतनमान पाने के लिए फर्जी पीएचडी डिग्रियां जमा करवाने के का मामला सामने आया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के आदेश पर जांच हुई तो अब प्रदेश भर से फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं। सिरसा स्थित राजकीय नेशनल कॉलेज में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर की डिग्रियों की जांच की गई है। सूत्र बताते हैं कि यहां 10 से ज़्यादा ऐसे एक्सटेंशन लेक्चरर की पीएचडी की डिग्रियां शक के दायरे में हैं। ऐसे में प्रिंसिपल ने जांच रिपोर्ट तैयार करके उच्चतर शिक्षा विभाग के मुख्यालय भेज दिए। दूसरी तरफ टोहाना स्थित राजकीय कॉलेज में भी एक एक्सटेंशन लेक्चरर कुलदीप की डिग्री की वेरिफिकेशन करवाई तो खुलासा हुआ कि डिग्री फर्जी है। झांसी स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेज प्रिंसिपल के नाम आए पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि विश्वविद्यालय अभिलेखागार अनुसार अंक तालिकाएं फर्जी हैं। इस पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने पुलिस को पत्र लिखकर आरोपी लेक्चरर पर FIR की मांग की है।
सरकार का नियम है कि कॉलेजों में नियुक्त होने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर की योग्यता पीएचडी और नेट पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं, वेरिफिकेशन से खुलासा हुआ कि अधिकतर ने फर्जी डिग्रियां जमा करवा दी। इस पर उच्चतर शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन कर प्रिंसिपल को पत्र लिख जांच की मांग की। राजस्थान की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू, जगदीश प्रसाद झाबरमल यूनिवर्सिटी झुंझुनू, सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू, श्रीधर यूनिवर्सिटी झुंझुनू और सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर की डिग्रियों पर संशय है। तो ये देखिए, राजस्थान का नाम जो है हरियाणा के अंदर भी फेमस हो रहा है, और ये जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू की, जगदीश प्रसाद झाबरमल यूनिवर्सिटी झुंझुनू यानी जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू, सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू, श्रीधर यूनिवर्सिटी झुंझुनू और सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो डिग्रियां दी गई हैं उनके अंदर फर्जी डिग्री होने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। ये देखिए आगे, ये आपके डॉक्टर अशोक कुंडू हैं, डिप्टी डायरेक्टर उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकुला, ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं। इस मामले में जांच चल रही है और जांच कमेटी अपना काम कर रही है, यदि कोई लापरवाही या अन्य कोई मामला सामने आएगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। फिर आगे देखिए, प्रदेश भर के राजकीय कॉलेजों में 2200 एक्सटेंशन लेक्चरर कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि ये नियम आने के बाद प्रदेश भर के कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर ने पीएचडी की डिग्रियां जमा करवाई। सूत्र बताते हैं कि इनमें से 700 एक्सटेंशन लेक्चरर ने पीएचडी की फर्जी डिग्रियां जमा करवा दी। इसका खुलासा होने पर उच्चतर शिक्षा विभाग ने डिग्रियों की वेरिफिकेशन शुरू की है। तो ये थी आपके लिए दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।